ये क्वेश्चन आपका आंसर दे सकते हो, उसका सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी बेची आपने? दादी क्या सुनिए, सलाम अलैकुम, शौक से शौक से। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको इस व्लॉग को देखने के बाद बहुत मोटिवेशन मिली होगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मुरीन और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मजे में होंगे। तो अभी अभी मैंने एक ब्लॉग एंड किया और अभी अभी एक और ब्लॉग शुरू किया। और आज मैं जहां हूं, मैं हूं पुफी के घर पे। और मैंने अभी बहुत सारे ब्लॉगों में बोला है अपने पुफू के बारे में, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में डीन थे और अभी वो कश्मीर में है। आफ्टर रिटायरमेंट वो कश्मीर में है और वो कर रहे होते हैं हर दिन पेंटिंग, ठीक है। घर के साथ ही एक स्टूडियो है, जैसे आपने व्लॉग में देखा होगा, जो पिछला एक व्लॉग मैंने यहाँ बनाया था जिसको 1 लाख प्लस व्यूज है। तो मैं अभी वहीं हूँ और आज आपको मैं दिखाता हूँ स्टूडियो फिर से। यहाँ आकर मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पे देखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती है, पेंटिंग्स वगैरह। और मुझे भी मतलब पेंटिंग बनाने में, मतलब देखने में, बनाने में अच्छा लगता है अभी भी। तो फिलहाल अभी हम अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं। और आज हमने एक लाइट कनेक्ट की है इनकी, ये इस लाइट से बड़ा ज़बरदस्त एक अच्छी क्वालिटी आ रही है। ओके, ये स्टूडियो का लुक। ओके, वी आर इनसाइड द स्टूडियो राइट नाउ। सो यहाँ पे आपको मिलेंगी कंटेंट क्रिएट जो भी करता है ना, उनके लिए सारी चीज़ें, जैसे गिम्बल है, माइक है, ट्राईपॉड है, एयरपॉड्स है, जो भी आपको यहाँ पे मिलेगा, कैमराज है। और उसके साथ साथ ये देखो जी, और अभी बाजान कर रहे हैं पेंटिंग। हेलो हेलो करो आप मेरी ऑडियंस को। ओके जी, अभी ओके गाइस, अभी हो रही है पेंटिंग और आपको भी दिखाते हैं। और अभी पहले मैं वहाँ पे देखूँगा, मज़ा आता है देखने में, और इसके बाद आपको दिखाएंगे पूरे कलर्स वगैरह, ठीक है। आपको याद होगा ना कौन सा कलर कहाँ पे है, किस डब्बे में कौन सा कलर है। तो याद रहता है। इट्स लाइक कुकिंग, मसाला कौन से कहाँ पर है। बराबर, इट्स जस्ट लाइक कुकिंग, कौन सा मसाला कहाँ पर है, किस डब्बे में। वरना इस पे वैसा सीन नहीं, मतलब कलर ढक्कन पे जो कलर होगा सब सफेद ढक्कन है, बट इनको याद रहता है। ये तो यहाँ पे हम देख ही नहीं सकते कौन सा कलर है, बट हाँ। ओए 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 ओए, ये देखो एक टोवर आपको देंगे पूरा। आज यहाँ पे ये नहीं जलाइए, वरना यहाँ पे जल रही होती है बुखारी और पूरी गर्मी होती है। वैसे यहाँ उतनी ठंड नहीं है। और लाइटिंग देखो, इधर से लाइटिंग है, ठीक है, परफेक्ट। ये देखो कलर्स कितने सारे हैं, और फिर बैक साइड से वहाँ से भी लाइटिंग चल रही है। यहाँ से देखिए पेंटिंग्स, ये देखो, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ना पेंटिंग करना चाहते हैं, मतलब आगे भी यही करना चाहते हैं। तो उनको अब क्या कहोगे, कैसा मतलब करियर अगर इसमें बनाना होगा तो? भाई इजीली बन सकता है, इसमें क्या है, ये दिस इज द बेस्ट सब्जेक्ट स्पेशली फॉर यंगस्टर्स। ये अपनी हॉबी भी हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है। इट वाज माय हॉबी इन द बिगनिंग, एंड इट बिकेम अ प्रोफेशन। अच्छा, पहले ही आपको नहीं पता था कि आप इसको प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन लोगे? जब धीरे धीरे छोटा था तब आई हैड नो आइडिया कि क्या होगा फर्दर, मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी ही घर में, मतलब मेरे मदर फादर बहुत सपोर्ट कर रहे थे इस मामले में, लेकिन मेरे बाकी लोग रिश्तेदार में कह रहे थे भाई क्या ड्राइंग करते रहते हो। सेम मैं कल यही बोल रहा था अपनी ऑडियंस को, क्योंकि रिश्तेदार मुझे भी जैसे बोलते हैं क्या छुप करानी है, ये उन्हीं को फिक्र रहती है ज़्यादा कि कौन क्या करता है। सच में तो आई लेफ्ट दिस प्लेस 1970। सेवेंटी से मैं घर से बाहर रहा, फिर आई हैव कम रिसेंटली। तो आई रिटायर्ड एज अ डीन फ्रॉम जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो ये कोई सोच भी नहीं सकता है बंदा नौवटा का और जामिया मिल्लिया का डीन बन सकता है। तो आई मुझे खुद भी आइडिया नहीं था ऐसा होगा, ऐसा हुआ।
तो अगर आपको इरादा करना है किसी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ हो, तो आप सच्चे लगन से करें वो चीज़, फिर पॉसिबल हो जाती है। नेक नीति से करें वो, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। आप नेक नीति से जो भी काम करेंगे आप हमेशा उसमें आगे बढ़ेंगे। और यू हैव टू हेल्प अदर्स, इस मामले में सबसे इम्पोर्टेंट है हाउ यू हेल्प अदर्स। मैंने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया, हज़ारों बच्चों को पढ़ाया, कम से कम 40 साल मैंने पढ़ाया है, 30 साल जामे में, 10 साल इधर उधर पूरे हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ मैं, बेलोस पढ़ाया। तो आपके पास जो टैलेंट है यू हैव टू शेयर इट, यू हैव टू स्प्रेड इट। आपको इसमें ये नहीं कि मैंने, मुझे आता है कि मैं किसी और को नहीं सिखाऊंगा, सिखाएंगे तो तब आपको हमेशा याद करेंगे वो। हमारे यहाँ कश्मीर में बहुत सारे ऐसे ग्रेट मास्टर्स थे जो क्राफ्ट्समैन थे, और वो चले गए यहाँ से और अब क्राफ्ट भी साथ ले गए अपने, किसी को सिखाया नहीं। इट वॉज द सैडेस्ट पार्ट, जो हमारे यहाँ कश्मीर में बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट थे यहाँ जो बहुत ही फेमस कश्मीर का था, तो किसी को उन्होंने सिखाया नहीं और वो भी ख़त्म हो गया उनके साथ। तो मैं चाहता हूँ अगर आपको इस किस्म का कोई भी प्रोफेशन आता है तो आप शेयर करें, सिखाइए दूसरों को, बेलो सिखाइए, और उससे आपको ही फ़ायदा है। आप जितना सिखाएंगे उतना आप और सीखेंगे। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, उन जो रिटायरमेंट के करीब है या उन नौजवानों से कहता हूँ मैं कि रिटायरमेंट के लिए आप ऐसी चीज़ सोच के रखो पहले ही। मुझे रिटायर होके घर बैठे वो कहते हैं अरे आप पूछना पूछना रिटायर को मत, मैं तो रिटायर हो गया, तो ये एक टैबू सा लगता है। मेरी लाइफ रिटायरमेंट के बाद ही शुरू हुई कि मुझे आना है यहाँ वापस दिल्ली से, और अदरवाइज आई हैव गॉट एवरीथिंग एट दिल्ली। यस, इतने साल दिल्ली गुजारे, 30-35 साल, लेकिन कश्मीर वापस आके आई वॉन्ट टू पेंट, और पेंट करता हूँ यहाँ, सिखाता भी हूँ, और अच्छा लगता है। कश्मीर द बेस्ट, यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं और टैलेंटेड है। इन्हें अल्लाह मियाँ ने ऐसे नवाजा है यहाँ के बच्चों को, यहाँ ये किसी वर्ल्ड किसी जगह पे जाते हैं तो अपना लोहा मनवाते हैं, ये मैंने देखा है। और आप भी उसकी एक एग्जांपल हो, है ना? आप बताइए, नावटा डाउनटाउन का एक लड़का और उस जमाने में, और मुझसे बहुत सारे लोग जो आते थे जाने में मुझसे पूछते थे आप कहाँ रहते हैं, श्रीनगर में कहाँ रहते हैं आप, तो मैं कहता मैं नावटा खजो बाज़ार में रहता हूँ। तो शौक में होते थे क्योंकि नावटा और खजो बाज़ार ये दोनों मिले हुए हैं, तो ये वो कनीजंग के लिए, उस समय कनीजंग नहीं कहते, बथराव के लिए बहुत मशहूर था। लेकिन जो डाउनटाउन ने जो जिन लोगों को दिया है, मतलब जो लोग वहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं, जो लोग वहाँ से बड़े बड़े शायर भी है, और शायर है, वकील है, डॉक्टर्स है, बहुत अच्छे, तो डाउनटाउन का बहुत कंट्रीब्यूशन है। वही तो फिर आगे दूसरी जगहों पे गए। तो पेंटिंग करना चाहे तो आप पेंटिंग कर सकते हैं, और ये एक तो आप एक सेटिस्फेक्शन होते, मन के सेटिस्फेक्शन होते, दिल से खुश होते हैं जब आपको लगता है कि मेरी पेंटिंग अच्छी हो गई, और तो और अच्छी बात है। और घर में रखने के लिए नहीं होता है, यू हैव टू सेल। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है ना आज बहुत सारे जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या, आप ये किस पे डिपेंड होता है कि आपको इसकी कितनी प्राइस होगी वगैरह? ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। जब आप फिर काम आप जब एग्जीबिशन में लगाते हैं, तो डिफरेंट एग्जीबिशन में लगाते हैं, तो फिर उसकी एक्सपीरियंस पे, उसके काम का जो वैल्यू, उसके पर डिपेंड करता है। अब कई यंग नौजवान हैं जिनकी अच्छे खासे कीमत पर बिकता है, कहीं बहुत टाइम तक मेहनत करनी पड़ती है उसके बाद उनको अच्छा बिकता है, लेकिन इट सेल्स एट द लॉन्ग रन। जम्मू कश्मीर से बाहर जाइए, हर चीज़ बिकता है, हर पेंटिंग बिकती है। अब ज़रूरी नहीं है आप ही बिक पेंटर, यू कैन बिक एम एनिमेटर, यू कैन बिक एडवर्टाइजिंग मैन। आजकल को बहुत ज़माना है, आप तो वो कार्टून का वो बना एनिमेशन तो बहुत है। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, नॉट डायरेक्टर। आपको लगता है आपकी लाइफ में कुछ, आपको लगता है कुछ कमी रह गई कहीं पर, अगर आप मतलब उसको आज अगर आप उसको सुधारना चाहिए कैसे, जैसे 20 साल पहले 10 साल पहले? नहीं कमी इसलिए मैं नहीं रही है क्योंकि मैंने थ्रू आउट मेहनत की, बहुत मेहनत की, और बहुत पापड़ बेले यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की।
मैंने इन द सेंस ये नहीं कि हमेशा हाई एंड पे ही रहा, कभी कभी पैसे की प्रॉब्लम थी, दिल्ली में रहना है और या जामिया में रहना है, तो कैसे हमने मैनेज किया अपना रोज़मर्रा खाना, ये पढ़ना, ये सब चीज़ें। आजकल तो माँ बाप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उस ज़माने में कोई सपोर्ट नहीं होता था ज़्यादा, लेकिन मेरी मदर फादर देवर हैड अ डिफरेंट एटीट्यूड, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। दिन में 16 घंटे काम करता हूँ अभी भी, तो गाइस दिन में 16 आवर्स काम करते हैं और आफ्टर रिटायरमेंट अभी भी। हाँ, और बैठना नहीं है ये रिटायरमेंट शेर मचना का सारा, रिटायरमेंट मतलब पेंशन पे उठ गए, तो ऑप्शन इसका मामा कारण किया था ऑप्शन पर, तो डिपेंड करी है पर ना सच फॉलो जाए इसका सुन, तो डिप्रेशन में रहते हैं वो जितने रिटायर होते हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, पहले से नौजवानों से यही कहता हूँ कि अपने सोच के रखो आपको क्या क्या करना है, यही नहीं है सोचो दूसरों की तरह हम रिटायर हो गए बैठे हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा अच्छे पोस्ट में जो थे रिटायर हो गए, बाद में कुछ नहीं करते हैं बैठे घर पे, और बहुत फख्र से कहते हैं हम तो रिटायर हो गए ना, अरे क्या बात है। और कहते आप क्या करते हैं, मैं कहा मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ। और क्या, वो तो मैं जॉब से रिटायर हुआ हूँ, लेकिन भाई काम तो मैं करता रहूँगा और काम करता रहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आपका ये सब चीज़ें जो है यू कैन सेल देम इजीली, आप एग्जीबिशन कर सकते हैं कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी, आप बाहर फॉरेन कंट्रीज में कर सकते हैं आप एग्जीबिशन से। तो दिस इज़ अ पेइंग जॉब, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हमें घर में, हाँ कई आर्टिस्टों को मैंने देखा जो बेचते नहीं है रखते हैं, इसको ये नहीं है, इसको नहीं रखना है, बेचना है तो बेच दो, सेल इट, जितना बेचोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आपको लगे लगेगा हाँ आई सेल इट, मुझे अच्छा लगता है और पैसे कमाएंगे। तो और मटेरियल खरीद सकते हैं, मटेरियल जितना रहे आपके पास उतना आप कर सकते हैं। आपने अपनी सबसे पहली पेंटिंग कब भेजी है? हाँ, दैट वाज व्हाई मैं जब जामिया गया, तो जामिया में मेरा वहाँ दोस्त थे मेरे एक कुलीग्स यासिन साहब, ये बस मेरे कुलीग, तो उसने मुझे कहा भाई ज़हूर मेरी एक फ्रेंड है उसको आपकी पेंटिंग्स छोटी छोटी पेंटिंग जो बनाते हैं, तब मैं नया शुरुआत की थी मेरे पेंटिंग के लिए, तो उनको आपकी पेंटिंग्स पसंद है, वो एलियांस फ्रांसिस में वो काम करती है, शी वॉन्ट्स टू हैव योर शो देयर, ओके। तो मैंने एलियांस फ्रांसिस में 86 में शो किया, ये उस तो तब एलियांस फ्रांसिस था उसमें लाजपत नगर में, तो वहाँ मैंने शो किया, तो वहाँ मेरी पेंटिंग जब बिकी, छोटी छोटी पेंटिंग थी, बड़ी भी थी, 10 पेंटिंग तो एलियांस फ्रांसिस ने ही खरीदा, छोटी छोटी बहुत अच्छा लगा। उस वक्त मैंने 500 की बेची थी, 500 का मुझे उस टाइम 500 बहुत है ना, 500 हो गया आजकल 50,000 ज्यादा ही, 500 की एक पेंटिंग बेची थी मैंने, और मुझे फ्रेम का खर्चा उसमें निकला और मुझे 10-20 पेंटिंग बिकी। और फिर नेक्स्ट मैंने किया था शो उसमें इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, तो वो भी 80s में था, तो वहाँ भी मैंने पेंटिंग बेची, वो तो वहाँ मेरी पेंटिंग वर्ल्ड बैंक ने खरीदी थी, तो दैट वाज वेरी गुड कि मेरा मुझे लगा मुझ में कॉन्फिडेंस आई कि नहीं मेरा बिकता है मैं ऐसे, तो फिर ना आप देखा ना तो आप देखा, फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं, पीछे मुड़ कर कभी नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका आंसर दे सकते हैं उसका, सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी बेची आपने? बहुत सारी बिकी है, बहुत सारी, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं कितना बिका क्या हुआ, था वो ज़माना था बेचने का, वो ज़माना था जब मैंने बेचा, अब नहीं बेचता हूँ। अच्छा, अब अगर ऑर्डर आएगा कोई? ना ना ना, हाँ मैं ऐसी, मुझे कुछ संस्थाएँ ऐसे हैं जो मेरे से कांटेक्ट में है, तो जो बेटा पैसा वो पोर फंड में जाता है, जैसे अगर उन्होंने पेंटिंग मेरी 50,000 की या लाख की या जैसे जितने भी बच्चे की, तो 50% पोर फंड में जाता है। अच्छा, तो उनको मैं सपोर्ट करता हूँ, उनको मैं हेल्प करता हूँ, तो वो मैं उनको पेंटिंग्स देते रहता हूँ, वो हर हिंदुस्तान के हर स्टेट में शो करते हैं, एक तो उसे उसका नाम है कंसर्न इंडिया, और भी बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं तो जिनसे मैं राज उनको देता हूँ, ताकि उसमें 50% जाता है गरीबों के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है कि बिकॉज यू शुड ऑलवेज गिव, दे दो, देना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी को हेल्प करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, मैं सकता हूँ मुझे उस वजह से थोड़ी दुआएँ मिलती हैं और मैं आगे बढ़ गया। क्या बात है, क्या बात है। ओके गाइस, मज़ा आ गया बात करने में, और इतनी देर में ये देखो जी, इतनी देर में पेंटिंग भी तैयार हो गई, क्या बात है।
क्या बात है, वाह जबरदस्त। अब मेहता वहां पे भी है ना लाल चौक में, वो बैक साइड पे। कितने साल पुराना ट्राइपॉड है ये? 75 में। ओए होए, ये ट्राइपॉड आप देख रहे हैं, पहले देखो कैसा ट्राइपॉड होता था, बहुत बारी। और ये पूरा बंद हो गया। और ये लाइटिंग का, ये भी 70s में इन्हें खरीदा है। ये देखो इसका बेस अभी भी अच्छा काम कर रहा है, यूज में। ओके गाइज, अभी हम स्टूडियो से आए, ये देखो, वाह। स्टूडियो से आके अभी है खाना टाइम, डिनर का टाइम, डिनर करते। दादी क्या सुनिए, सलाम अलैकुम, शौंक सा शौंक सा। ओके गाइज, हमारा डिनर हो गया। ओके अभी मैं आया रूम में, अभी हम सोएंगे, ठीक है। और देखो पेंटिंग यहाँ पे भी लगी हुई है, वहाँ पे भी लगी हुई है बाजान की, और किधर गई, यहाँ पे भी लगी हुई है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरा जो चार्जर है वो है घर पे, क्योंकि आई वॉज नॉट हैविंग द आइडिया, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि मैं यहाँ आऊँगा, तो चार्जर घर पे रह गया। फ़ोन को 6% चार्ज है, सुबह तक बचा के रखना है। तो अभी के लिए आज का ये व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको इस व्लॉग को देखने के बाद बहुत मोटिवेशन मिली होगी, और उसके साथ साथ मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।